आप लोग जब से अब तो रेडीमेड चलेगा, जब से कपड़ा सिलवाओ तो आदमी ने बंद नहीं कर दे फिलहाल। या हमने कपड़ा सिलवी डाले हनी भैया कल जाने। अच्छा अर्जेंट के भी अर्जेंट ही पैसा मांगते, अगर अपन ने कि आज तो पहले अपने कारीगर तरफ देखा था काय बन जे, वो एक बार तुम्हारे मुँह तरफ नहीं देखे, कपड़ा तरफ देखा था, मशीन चल रही, मिल जाए मिल जाए मिल जाए, आ जाइयो आ जाइए सुबह आ जाइए, तुम ले जाइयो कपड़ा। अब अगर तुम दबंग आदमी हो, दबंग आदमी और अगर पवन गाई है तो टेलर फरार, टेलर फरार हो जा फिर कपड़ा नहीं दे दो। और ग्राहक भी बड़े वीआईपी आते, उन्हीं कहा और तुम कल हते नहीं हमें शादी में जाने, तो उनकी भाई साहब सिर्फ बटन रहेगा लगवे के लाजे, अब ले अब रखे रही हो यार, अब नंजा हमें टेम, अब तो ले जाए हम। ऐसे एक बार हमने अर्जेंट में डारे कपड़ा, जब सवेरे हम गए हमने भैया दे उसे उन्हें तय करके दे, बोले ले जाओ, हमने जो पहरे तुम्हें दो पेंट पौन पे पेंट जलो, तो हमने जो कहा है क्या तुम्हें तो कहते डिजाइन काट दियो, तो हमने कि जो बोले दिल बना दो, हनी पगला दिल पौन पे होते छाती पे। और हमने देखे जहाँ चाहे अपन जाके तो के जैसे कूस हैं कि भाई साहब बहुत भोले हैं, तो भाभी कहती राम दी भैया इतने सीधे हैं कि क्या बताएं, इन्हें कल 10 के 20 के आलू लेता है जी, 10 के चल रहे, अब इन्हें को बता दे कि 10 की भाई साहब ने कैपेस्टन पी ली थी। अब जी बता तो सकत नहीं घर है, इन्हें कई बात तो आलू 20 ही के मिल रहे है, तुम और सीधे जी की ऐसी चूड़े लोग आई हो वो लोग सीधे रह सकत है, वो तो कुछ जगह नाम से बदनाम रहते हैं। अभी एक दिन हम थे आगरा में, एक दोस्त को फोन आ, बोले कि दे हम नहीं आगरा, बोले यार पेठा ले आइए यार, हम तो ऐसे भूल गए, हमने स्टेशन से ले आके पेठा दे दो, खा के कह रहे यार क्या पेठा है यार, जैसे अपने ललितपुर में कचरा मिला थे। अब आपको हम दिल्ली में हैं यार, तो नहीं यार चांदनी चौक से एक टी शर्ट लाए आइए हमारे इलाज, पर हमने कितना कि हम चंदेरी में सुख सीधे चले जाए यार, जल्दी आ जाइए जल्दी। अब तुम क्या दो कि हमें लाइट पे ठाड़े, तो कहते भैया लाए आइए पैसा हमें तही दे दें घर, जेल चोरा के कह दो बाबू जी तो फोन कर दे इधर ही पढ़ लें। कई जगह बदनाम है, आप गोवा की कह दे उस आदमी काजू की कह दे चाहे मूँगफली खाता रहो हमारे भाई, जैसे होते तो काजू बट नहीं रहो फ्री में कि ले जाओ काजू ले जाओ तुम तो फ्री में, और दारू। अच्छा हम अब अस्पताल में जाओ उनकी यार वो बीमार है कोई, आप लोग देखे गई हुई है तो अस्पताल में आदमी देख भेजे पहले उनकी तरफ देख लें कि जो की जगह पे है, कह रहे उतने नहीं करवा पा रहा, तो ऊ पलंग के बगल में करवा ले तो बार उतही बैठते यार, और दूसरे को फोन कर दें जी जल्दी आ जाइए वे, अच्छे पलंग में एक दूसरा जना वो अगर याददाश्त वाह है जी की याददाश्त चली गई फिर देखियो आप मजा, लेकिन दादा कछु याद करो उनकी जे कुआ है। अब दादा से मोता ही रहे बड़ी देर में जा बेड़ नहीं उन्हें यहाँ जो फूका है मंजली। अब दूसरे मरीज बगल से ऐसा देख रहा हो सही दे दे अनार दे दे सुन की यहाँ हाँ की गहरा नहीं रहेगा ये अनार नहीं मांग रहा हो जो वो इन्हें मतलब नहीं जा मरीज से तो मतलब है ही नहीं जा पहला घुसते सबकी बोतलें देखा फिर कहा है जब बोतल आ उतर दी तुम्हारी खिंचवा लो, और डॉक्टर कह के डॉक्टर भी भूल जा सरकारी अस्पताल के आप लोग ने देखो ये बिल लगा के खुद भाग दें घंटन बाद आ रहा है मरीज भी सोच रहा उल्टा खून चढ़ने लगा बोतल में बोतल भी कह रही कब खींचे थी हमें पर आदमी नहीं खींचे, फिर आखिरकार उनमें आधे कंप्यूटर तो मरीज के घर के हो जाते हैं, हम हो गए थे हमारी भाई भरती है तो आधे कंप्यूटर हो गए थे हम एक के में हम छेद करे यार बोतल में, वो आकर किने छेद करे बोले उनने बोले ज्यादा कंप्यूटर बनना हमने साफ सब में तो आप छेद करे हमने समझी में नहीं करने ई में करने से हमने कर दो बोले पागल हूँ मैं छेद नहीं करने तो बार बोले श्वास को मरीज हम अच्छी आफत
हमी आवाज छिया बात जो अब बद गए हम एक से एक नजारे देखियो आप अस्पताल में इतना अच्छा खासा लौंडा ये सुन दो निकल जा रहा हूँ हम ये कहा होगा बोलिए जो रात के भैंस नहीं था मैं मुड़ी तुझे सीधा नहीं हो पा रहा क्यों टुकड़ा अच्छा उसी अगर मोड़ा से कहें बाप के भैया कंधा तने बिठा ले तो नहीं बिठाए वहाँ अस्पताल में देखियो आप ऐसा लगे बिस्ना देवी चढ़ रहे हो उजीन पर बापन हो ला दें ऐसे और टंगे जा रहे और संगे दूसरे भज्जा हूँ गाँदे जा रहे कैसा लो आओ नहीं कही थी हमने जल रही है खुद नहीं बचा बता रहे कि तुमने एक महीना को नेट पैक फ्री है तुम आओ जी आँखें ऊँचें जल रही अब एक डुकरा बैठे उनकी नाती माती हती उनकी डॉक्टर साहब बोले इनकी आँखें में वो परेशानी है तो तनक देखो डॉक्टर साहब बोले दादाजी इधर बैठ जाइए वो सामने देखिए क्या है घोड़ा दिख रहा है बोले हम पहली बार देख रहे हैं घोड़ा औरत बन गए बोले अरे यार जो दरवाजा बंद करो यार जी बाहर देखने लगे बोले भैया इनकी नज़र सही है यार बाहर की लुगाई दिखा गई नहीं यार बोले नहीं 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 हाँ इसको घुमा अभी लिखे नहीं ना चित्र बनी बोले अच्छा इसको घुमाओ हाँ ये दादा ये कितनी उंगलियाँ हैं अब उनकी बाकियत में नज़र कम थी तो भी ऐसे ही बैठे थे सुन बोले 10 अपनी गिन के बता दी उनने बोले अरे 10 नहीं है दादाजी 5 हैं बोले तुम्हारी 5 हैं पर हमारी 10 हैं अरे बोले तो हमने कही थी ऐसी तो बोले डॉक्टर साहब बुला देते खिलाओ ना हमारे थे आदमी एक बार चिल्ले होते तो बोले हमें वैसी आदत है अब फिर उनने फिर वो घुमा बोले देखिए हाथी देख रहे हैं बोले नहीं दिखा रहा हमें हाथी उन्हें देखिए गौर से ये कुत्ता उन्हें हाओ कुत्ता ये हाथी हो काट पे दौड़ रहा हूँ हमारे पापा हमें देख देख के कतरते से कहते चलो जो सीजन कड़ जाए फिर को ब्याह करवाने सो हम फिर उठ के काम करने लगते एक ना इतनी घंटा रखने थे हमसे भी पहले ही बोली बोले जी घंटा रख दो हमने कि हमें टेम नहीं हम बाहर जाए तना फिर उन्हें फोन उठाओ बोले का बमोड़ी अच्छी है तो हमारा भी खिलाए देख भी सो हम तुरंत उठाए उन हमने दूसरे हमने कितना धन भी खंडा और वो मौसम भी ऐसा हो तो हम दो ही भज्जिया लड़ गए थे हमारे बड़े पापा को भी लड़का ऐसे कहते तो उन्हें एक टपज्जा पटवा ली हम उनसे जे कह कह के बोले चलो अगले मंगल हो जाए मोड़ी देख भी वो जाकर तो ऊपर चढ़ गए टपज्जा पे कह ले जब पटाने हती यार इतने अच्छा दूसरों घर बनवाने तो गिलाए बहू ढूंढ लिया है तो हम उन्हें ऐसे करें इतनो काम करवाओ उन्हें इतनों काम करवाओ के फिर आखिरकार हमने कह ही दी कि हमें वो ब्याह नहीं करवाने पुराने आदमी बहुत बदमाश होते तनक से मोड़ी मोड़ा अच्छा मोड़ी मोड़ा भी मोड़ी मोड़ी मिल रहे गाँव में भी देख लेते निकारे अब तो ही कभी आओ करवाने आए तो वो भी खुश हो जाते के सही में हो रहा है बड़े बड़े भज्जा फिर रहे अभी दूसरे की बरातें करा उनको तो हो नहीं पाई को हो जाए फिर एक अच्छा ही को ब्याह करवाने आए जब भी डते पानी भर ले आइए तो वही ऐसे जाते हैं जी देख भी आए हो खिला तुरंत पानी भर ले आए लो दाग और शहर में तो अब लाइटर चलत गांव में पहले दादा और बीड़ी देते कि जा बेटा बीड़ी से लगा लिया और भी आधी गली में एक सुट्टा दे लेते आधे बेबी बनवा उन्हें की कहा जब गीली तो हो गई सो कई भाई ऐसी गीले हाथ से पकड़ ली हमने बेसमझ जाते कि जो सुट्टा मार के यहाँ उनको यकीन जब पक्को हो जाते तो जब उस बिंडल में से बीड़ी धीरे धीरे कम होने लगती हमने भी चुराई एक बार लेकिन हमारे ताऊ ने तुरंत पकड़ ला हमने ऊ किले जा रहे हम देखे इन चीजन में आदमी अपनी अपनी कबू नहीं कहते अपने तक कलारी पे आप पकड़ लो घर से वक्त पापा को ले जाए पता नहीं जा क्योंकि पापा बियर पियत केवल और जो क्वार्टर नहीं पियते तैसे ले आओ फिर कहते तो पापा को आए दोस्त भी समझ ले जा भाई हमें नहीं पीने पी ले तुम इतना ही लगा ले वो तो पापा को आए